नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानवल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। और आज का जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, हम इसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हम रीतिकाल जो आपका तीसरा जो काल है हिंदी साहित्य का, इससे हम जिसको उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम लेंगे। और आज जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का पहला भाग है। प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, तो एक बार इसमें थोड़ी सी जानकारी के स्वरूप में आपको यह प्रश्न दिया जा रहा है। तो देखिए, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, यानी विशेषताएँ क्या है, और प्रमुख रचनाकारों का परिचय दीजिए। और ये जो प्रश्न है छोटा ही प्रश्न है, 200 शब्द में ये देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रीतिकालीन जो काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, प्रमुख विशेषताएँ क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके उत्तर को देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। और इसमें देखिए पहली प्रवृत्ति, देखिए यह पहली विशेषता है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति प्रमुख रही है। यानी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए। लक्षण ग्रंथ प्यारे विद्यार्थियों जो संस्कृत साहित्य है उसमें लक्षण ग्रंथ जो है सबसे पहले लिखे गए, उन्हीं का अनुकरण करके रीतिकाल के अनेक कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ जो कि काव्य के जो उदाहरण ग्रंथ हम कह सकते हैं, जिसमें रस गुण रीतियाँ छंद अलंकार इनसे संदर्भ में इनको साथ में लेकर के जो काव्य रचना लिखी जाती है, वो जो उदाहरण लिखे जाते हैं वो उसमें लक्षण ग्रंथों की श्रेणी में आती है। तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा लक्षण ग्रंथ वो लिखे गए। इसीलिए इस काल में लक्षण ग्रंथों के साथ साथ रीति शास्त्र के नियमों से बंधी अनेक लक्षण काव्य अर्थात उदाहरण ग्रंथ भी लिखे गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में प्यारे विद्यार्थियों लक्षण ग्रंथों की प्रमुख प्रवृत्ति रही। इसीलिए इस काल में लक्षण ग्रंथ जो है मैंने कहा संस्कृत साहित्य से ही आए हैं और उनका अनुकरण रीतिकाल के कवियों ने किया। तो लक्षण ग्रंथों के साथ रीति शास्त्र के जो नियमों से बंधी, यानी जिसको रीतिबद्ध हम कह सकते हैं, तो रीति शास्त्र के नियमों से जो बंधी हुई जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को या रीतिबद्ध जो अनेक लक्षण काव्य हैं उदाहरण ग्रंथ हैं वो भी लिखे जाने लगे। तो ये प्रमुख प्रवृत्ति है, सबसे प्रमुख पहली प्रवृत्ति या विशेषता हम कह सकते हैं लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति रही है। दूसरी बात देखिए, इस काल में कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति रीतिबद्ध कवियों में दिखाई देती है। यानी रीतिबद्ध जो कवि है, तीन ये श्रेणियाँ थी रीतिकाल के कवियों की, रीतिबद्ध रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रीतिबद्ध कवि थे, जो रीति यानी लक्षण ग्रंथों से जो बंधे हुए थे, रीति के नियमों से जो बंधे हुए थे, ऐसे कवि और ऐसे कवि इस काल में कवि और आचार्य बनने की होड़ उनमें हो रही थी। तो आचार्य हैं और कवि दोनों बनना चाहते थे। तो इनमें प्रमुख जो रीतिबद्ध कवियों के अगर हम नाम उजागर करें, नाम देखें तो देखिए चिंतामणि कवि का नाम है। चिंतामणि ये कौन से कवि हैं, रीतिबद्ध यानी रीति काल की जो तीन श्रेणियां हैं, रीतिबद्ध रीतिमुक्त रीति सिद्ध। तो ये तीनों में से जो ये रीतिबद्ध जो श्रेणी है यानी रीति से बंधी हुई, रीति यानी लक्षण लक्षणों से युक्त जो जिनमें ग्रंथ लिखे गए वो उन नियमों से बंधे हुए जो ग्रंथ थे वो रीतिबद्ध कहलाए। तो इन कवियों में देखिए चिंतामणि का नाम आता है, कवि देव जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, भिखारीदास जी, मतीराम जी भूषण कवि जिन्होंने शिवाजी महाराज का और छत्रसाल महाराज जी का सुंदर वर्णन किया है, सेनापति कवि प्रकृति के सुकुमार कवि रीतिकाल के, पद्माकर कवि इत्यादि नाम आते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों की अगर बात करें तो चिंतामणि है, देव है, भिखारीदास है, मतीराम जी है, भूषण सेनापति और पद्माकर इत्यादि कवि आते हैं। तो ये समझ में आ गए। और इस काल में प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी, इस काल के जो रीतिबद्ध कवि थे वो कवि और आचार्य बनना चाहते थे। आचार्य जो लक्षण ग्रंथों की रचना करता था वो आचार्य कहलाता था। प्यारे विद्यार्थियों, अगली विशेषता या अगली प्रवृत्ति देखिए, रीतिकालीन काव्यों की रीतिकाल में जो काव्य लिखे गए उनकी प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषताओं में श्रृंगारिकता का मोह प्राय सभी कवियों में रहा। नाम से पता चलता है श्रृंगारिक का जो सभी कवि, क्योंकि ये कवि प्यारे विद्यार्थियों दरबारी कवि थे।
दरबारी कवि थे और राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं के आश्रय में दरबार में रहते थे, राजकवि के रूप में सुशोभित थे और अधिकतर कवि है वो राज दरबार में रहने के कारण राजाओं की बड़ाई करते थे, श्रृंगारिकता और युद्ध की उनकी वीरता का चित्रण वो किया करते थे। इसमें राजा महाराजा के प्रेम, उनके विवाह इत्यादि का वर्णन है वो श्रृंगारिकता से करते थे, इसीलिए श्रृंगार रस रीतिकाल का प्रधान रस था। प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार रस जो कि रस राज जिसको कहा जाता है, रसों में राजा है श्रृंगार रस, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत अधिक वर्णन वो किया करते थे। तो श्रृंगारिकता का मोह है वो प्राय सभी कवियों में था। कहने का तात्पर्य कि रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो अधिकतर जो कवि है वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना है वो लिखा करते थे। और अगली विशेषता देखिए, अधिकतर यानी जिसको हम आज के समय में कह दें कि क्रेज था उस समय का श्रृंगार रस में लिखने का, एक तरह से क्रेज था, एक तरह से वो फैशन थी उस समय। अधिकतर जो लक्षण ग्रंथों में नायिका भेद और नक्षिक वर्णन किया गया है, अधिकतर जो लक्षण ग्रंथ है जो संस्कृत जो कवि काव्य था उन कवियों का अनुकरण करके रीतिकाल के कवियों ने ऐसे लक्षण ग्रंथ लिखे हैं कि वो संस्कृत कवियों को भी उन्होंने एक तरह से अनुत्तीर्ण कर दिया, उनसे भी आगे निकल गए। तो अधिकतर लक्षण ग्रंथों में नायिकाओं के भेद और नक्षिक वर्णन, नायिकाओं के नक्श से लेकर सिर तक का वर्णन है वो अपने काव्य में, उनकी सुंदरता का वर्णन वो किया करते थे। तो रीतिकाल के कवि है वो नायिकाओं के नक्षिक का वर्णन और नायिकाओं के भेद का वर्णन वो करते थे। अगली विशेषता देख लो, प्रवृत्ति है कि इसमें नायिकाओं के भेद और प्रभेद, नायिकाओं के मुख्यतः ऐसे चार भेद हो गए, अलग अलग भेद है। पद्मिनी नायिका है और चित्रणी नायिका है, संकिनी नायिका है, हस्तिनी नायिका है, ऐसे भेद है। उसके अलावा नायिकाओं के अलग अलग, भरत मुनि ने कितने नायिकाओं के जो है भेद बताए हैं, उनके अनुसार नायिकाओं के अलग अलग भेद हैं, ठीक है ना। प्रोषित पति का नायिका है, स्वप्रोषित पति का नायिका है, इस प्रकार से अलग अलग नायिकाएँ हैं। तो नायिकाओं के भेद और उनके उपभेदों के साथ साथ उनके नक्षिक का वर्णन है वो किया गया है। साथ ही साथ नक्षिक वर्णन में उसके अंग प्रत्यंगों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया इन कवियों ने। नायिकाओं के सिर से लेकर के नाखून तक का वर्णन है सुंदरता का, उनके अंग प्रत्यंगों का वर्णन वो किया गया है। रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक नायिका के तिल के ऊपर हजार हजार दोए या पद है वो लिख दिए हैं। तिल हजारा, तिल शतक, सैकड़ों सैकड़ों, एक तिल के ऊपर वो कविता उन्होंने लिखी है। तो नायिकाओं के जो नक्षिक का सांगोपांग वर्णन, अंग प्रत्यंगों का सांगोपांग वर्णन है वो किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। आगे देखिए, रीतिकाल में मुक्तक काव्यों की रचना अधिक हुई है। इस काल में सबसे ज़्यादा रचना मुक्तक काव्यों की, यानी प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, किसी बंदी बंधाई घटना को लेकर के, एक जो लंबी चलने वाली घटना है उसको लेकर के काव्य नहीं लिखा गया, अपितु मुक्तक काव्य लिखे गए, अलग अलग विषयों से संबंधित, कोई नीति संबंधी, भक्ति संबंधी, श्रृंगार संबंधी, प्रेम संबंधी, राजनीति संबंधी, ज्योतिष संबंधी, अलग अलग, जैसे आप बिहारी जी की रचना पढ़ते हैं, बिहारी सत्सई, तो उसमें अलग अलग विशेषताओं से युक्त मुक्त काव्य लिखे गए, मुक्त श्रेणी की जो रचना है वो है, जिसमें बिहारी जी ने एक दोहे में नीति की बात कह दी है, दूसरे दोहे में, अगले दोहे में अलग श्रृंगारिकता की बात कर रहे हैं, भक्ति भावना की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से अलग अलग विषयों को लेकर के लिखा गया। तो इस प्रकार से इसमें मुक्त काव्य की रचना हुई। अगली प्रवृत्ति देखो, इस काल में श्रृंगार के, यहाँ देखिए सातवां, इस काल में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष में नायक नायिकाओं का सुख दुख ऋतुओं और मासों के वर्णन के माध्यम से उद्दीपन रूप में हुआ। क्या समझे इसमें, नायिकाओं का जो श्रृंगार रस का संयोग पक्ष है और वियोग पक्ष है, संयोग पक्ष जिसमें नायक नायिका परस्पर साथ में रहते हैं, तब नायिका नायिका का जो प्रेम भाव है, पति पत्नी का जो प्रेम भाव है वो संयोग पक्ष में आएगा, और दूसरा जो वियोग पक्ष जिसमें नायक नायिका है एक दूसरे से अलग रहते हैं, अर्थात नायक प्रवासी हो गया है, उस समय का जो उसकी जो पत्नी है या नायिका है वो उसके वियोग में तड़पती है, विरह वेदना को सहन करती है, वो वियोग पक्ष होता है। तो नायक नायिकाओं के अंगों का जो सुख दुख का कारण है वो संयोग में ऋतुएं और जो मासों का वर्णन उसके माध्यम से उद्दीपन रूप में हुआ है, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो ऋतुएं हैं
या मास है, महीने हैं, ये जो संयोग पक्ष में अलग उद्दीपन कार्य करते हैं और वियोग पक्ष में ये अलग उद्दीपन कार्य करते हैं। जो नायक नायिका परस्पर साथ में है, प्रेम भावना उनकी है, तो उसमें ये श्रृंगार रस को बढ़ाने वाली है संयोग में। अर्थात यही जो ऋतुएं हैं, एक कोयल का बोलना है, पपिया का बोलना है, मोर का नाचना है और ये पेड़ों लताएं इत्यादि है, वे सब संयोग काल में नायक नायिकाओं के लिए सुखकारी है, लेकिन वे ही वियोग पक्ष में दोनों के लिए क्या हो जाते हैं, दुखकारी होती है। नायिका पपिए को, मोर को बोलने के लिए मना करती है, क्योंकि वह नायक जो कोयल का बोलना, पपिए का बोलना नायिका को नहीं सुहाता है, क्योंकि उससे उसके प्रिय की याद आती है, उनकी स्मृतियाँ आती है। इसीलिए दोनों ही रूपों में सुख और दुख, दोनों ही रूपों में ऋतुओं और मासों का वर्णन उद्दीपन रूप में हुआ है। अगली बात, इस काल में कहीं कहीं पर प्यारे विद्यार्थियों भक्ति के और नीति संबंधी रचनाएं भी दिखाई देती है। कहीं कहीं पर भक्ति के, आप वरिंद जी की हम रचना देखते हैं, रसकांत जी की कई रचनाओं में रचना, रसकांत जी नाम आ गए इसमें, ये बिहारी जी, तो बिहारी जी की रचनाओं में कहीं कहीं भक्ति के और नीति के संबंधी पद है। आरंभ में ही बिहारी जी लिखते हैं, बिहारी सत्संग में, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाहीं परे श्याम हरित दूति होई, अपने आराध्य इष्ट की आराधना करते राधा कृष्ण की। तो इस प्रकार से भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी दिखाई देती है। हाँ, ये हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जब कवि श्रृंगारिकता से ऊब गए होंगे तब उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया होगा। ये कहीं न कहीं जो काम भावना है वो राम भावना में परिवर्तित हो ही जाती है। तो जब जो ये भाव था भक्ति और नीति के रूप में प्रस्फुटित हुआ। अगली बात देखिए, रीतिकाल में नारी को श्रृंगार और विलास की चीज माना गया। रीतिकाल क्योंकि दरबारी कवि था और राजा महाराजाओं के यहाँ कवि लोग यही देखा करते थे कि नारी क्या है, श्रृंगार का और विलास की चीज़ है। इस तरह से मान करके कवि लोगों ने भी नारी को एक श्रृंगार का और विलास का ही मात्र चीज़ मान ली गई। नारी का जो माँ का स्वरूप है, नारी का जो बहन का स्वरूप है, वो नहीं देखा गया, अपितु नारी को एक केवल बाह्य सौंदर्य और एक शारीरिक के रूप में ही देखा गया। तो इस प्रकार से इसीलिए इस काल के कवियों की रचनाओं में नारी का जो उपभोग के उपकरण के रूप में चित्र किया गया है कि नारी केवल विलास की चीज है, उपकरण विलास का ही उपकरण मात्र रह करके रह गई। नारी का जो मातृ स्वरूप है, जो बहन का स्वरूप है, वो इन कवियों ने नहीं देखा, अपितु नारी का केवल बाह्य सौंदर्य का स्वरूप है उन्होंने देखा, अधिक इसका चित्रण किया। अगली बात देखिए, इस काल में कला पक्ष की प्रधानता है, ज़्यादातर भाव पक्ष की बजाय कला पक्ष यानी जो छंद, अलंकार, रस, गुण इत्यादि रीति, इनका ध्यान अधिक रखा गया, क्योंकि सभी दरबारी प्यारे विद्यार्थियों पंडित पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते थे, चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे और अपने आशयदाता राजाओं को रिझाते थे, प्रसन्न होकर के राजा उनको मुद्राएं देता था, इसीलिए बढ़िया से बढ़िया कविता वो करते थे और उसमें राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ाई लिखते थे, उनकी श्रृंगारिकता की चेष्टाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। तो इस प्रकार से कला पक्ष की ज़्यादा प्रधानता थी, चमत्कार का प्रदर्शन विशेष रूप से दिखाई देता है। अगर हम केशवदास जी की बात करें तो द्वितीय काल में केशवदास जी ने जो वर्णन किया है रामचंद्र का, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो इस प्रकार से बहुत सारे अलंकारों का, छंदों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से कला की प्रधानता और चमत्कार का प्रदर्शन विशेष रूप से दिखाई देता है। प्रमुख रचनाकारों में देखिए पहले भी देखते हो, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त रचनाकार हैं रीतिकाल के। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों अगर बात करें रीतिकाल में रीतिबद्ध रचनाकारों में, तो सबसे मुख्य नाम आता है केशवदास जी का। रीतिबद्ध कवि की बात करें तो केशवदास जी जो कि बहुत श्रेष्ठ कवि थे, केशवदास जी, इसके साथ साथ चिंतामणि कृपाराम ग्वाल कवि, ये सब कौन सी श्रेणी के हैं, रीतिबद्ध श्रेणी के हैं। तो इन्होंने रीति में बद्ध करके रचना लिखी और रसलीन है, सूरती मिश्र है, सेनापति है, रसलीन कवि है, सेनापति कवि है, ये जो कवि है वो रीतिबद्ध कवि है। इसके साथ साथ भिखारीदास है, मतीराम है, पद्माकर है, ये हमने पहले पढ़ा था, पद्माकर देव है ना, पद्माकर देव इत्यादि जो कवि है, मतीराम जी है, ये सब रीतिबद्ध कवि है। रीतिमुक्त रचनाकारों में बात करें तो प्रमुख नाम आता है रीतिमुक्त में घनानंद जी का। अच्छा, पहले रीतिसिद्ध को देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो रीतिसिद्ध में तो
जो मुख्यतः बिहारी जी के नाम है वो प्रमुखता से आता है। रीति सिद्ध बिहारी जी रीति सिद्ध कवि है, ठीक है। इन्होंने लक्षण ग्रंथों का अनुकरण नहीं किया, अपने आप ही स्वतः इनके काव्य में लक्षणों की जो है सिद्धि हो गई, इसीलिए रीति सिद्ध कवि है। और रीति मुक्त कवियों में गणानंद बोधा, ये थोड़ा कैटेगरी के अनुसार आप ध्यान करना, गणानंद है, बोधा है, ठाकुर है, आलम है, आलम ठाकुर ये कवि के नाम है प्यारे विद्यार्थियों, सब ठाकुर कवि, बोधा कवि, आलम कवि और इसके साथ साथ ये जो कवि है वो सब रीति मुक्त कवि है। तो आपको ध्यान हो गया रीतिबद्ध में केशवदा, चिंतामणि, कृपाराल, कृपाराम, गवाल कवि, रसलीन, सेनापति, पद्माकर, मतीराम इत्यादि कवि रीति सिद्ध कवि है। रीति नहीं, रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध में केवल बिहारी जी का नाम आता है या सेनापति जी को हम ले सकते हैं। इसके साथ रीति मुक्त में गणानंद जी का नाम मुख्यतः आता है, बोधा है, ग्वाल कवि, आलम है, ठाकुर कवि है, ये रीति आपके मुक्त कवि है, यानी इन्होंने रीति के बंधन में बंधे नहीं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा रीति काल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे रीति काल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषता पूछी जाती है, इसके कौन कौन से रचनाकार, इसका थोड़ा ध्यान करिए आप, तो ये आप ठीक प्रकार से पढ़े, नोट्स बना करके याद भी करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थी।